एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के बजे हुए हैं 5 और मैं आ गई हूँ किचन में। लंच के बाद किचन क्लीन नहीं किया था तो अभी जितने भी धोने के बर्तन हैं सब मैंने निकाल लिए हैं सिंक में और गैस को और स्लैब को जो है पोंछ कर साफ़ कर लिया है। और आज एक ज़रूरी काम भी मुझे करना है तो पहले जो है ना ये बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, इनको अभी अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ ताकि यहाँ पर जगह जो है थोड़ी खाली हो जाए। टोकरी रहती है ना तब तक थोड़ा भरा भरा सा लगता है स्लैब, तो सारे बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर दूँगी। इनका पानी जो है अच्छे से झर गया है और अभी जो है ना मुझे चिप्स बनाने हैं, यही आज ज़रूरी काम था मुझे। तो मैंने आलू कट कर लिए हैं और चिप्स जो है ना मैं छिलके वाली ही बना रही हूँ, आलू के छिलके जो हैं उतारे नहीं हैं, छिलके सही थे, मैंने आलू कट कर लिए हैं चिप्स के लिए। तो छिलके हैं तो धूल मिट्टी भी लगी रहती है तो इनको ना अच्छे से 2-3 पानी में अच्छे से वॉश करूँगी ताकि इनकी जितनी भी धूल मिट्टी जो है ना निकल जाए, नहीं तो फिर जो है खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। किरकिर थोड़ा भी आ जाएगा ना चिप्स में तो फिर खाने का मज़ा जो है किरकिरा हो जाएगा, इसीलिए इसको 2-3 पानी में अच्छे से वॉश करूँगी चिप्स को ताकि मिट्टी वगैरह जो है सारी निकल जाए। और वॉश करने के बाद मैंने चलनी में निकाल कर रख दिया है और एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया, चिप्स बनाऊंगी और इधर मैं लगा ले रही हूँ आटा, रात के खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो आटा लगा लिया है और इधर पानी भी हो गया था गर्म तो चिप्स मैंने डाल दिए हैं। चिप्स डालते ही जो है ना पानी ऊपर आ गया है, वही कबे वाली बात होती है ना, पत्थर डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, वैसे ही जैसे ही मैंने चिप्स डाली है पानी ऊपर आ गया। तो थोड़ा सा मैं निकाल दे रही हूँ नहीं तो फिर ना साइड साइड से फिर गिरेगा पानी और गैस जो है गंदी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर ऊपर से निकाल दे रही हूँ। और मैंने ना नमक डालकर बनाया है चिप्स छिलके वाली, जो तलने के बाद नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस एक उबाल आ गया है, थोड़ा सा चेक कर लूँगी नमक सॉरी नेल गोड़ कर कि चिप्स सीज गए हैं। तो यहाँ पर चिप्स जो है सीज गए थे तो इनका पानी निकाल ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा ध्यान से ही करूँगी नहीं तो फिर गर्म पानी लगने का डर रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना बर्तनों का स्टैंड हाथ में अटक रहा था तो इधर साइड कर लिया मैंने और सारे चिप्स जो है निकाल लिए हैं पानी से। और चलनी को जो है ना इस बर्तन उस टोपिए के ऊपर ही रख दूंगी दूसरे बर्तन पे ताकि इसका पानी अच्छे से झर जाए। और ये जो गर्म पानी निकला है इसको अभी साइड करके रख दूंगी, अभी सिंक में नहीं डालूंगी, थोड़ा पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही सिंक में डालूंगी, नहीं तो फिर वही है सिंक में जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना तो फिर वो मर जाएंगे, इसीलिए थोड़ा पानी ठंडा हो जाए उसके बाद डालूंगी सिंक में। और चिप्स इधर बन गई है, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो आटा मैंने लगा लिया है, डिनर में आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी। तो गट्टे मैंने बना लिए थे बेसन के और पानी जैसे ही बॉईल हुआ है तो गट्टे मैंने डाल दिए हैं बॉईल होने के लिए और इनको धीमी आंच पर बस बॉईल होने देंगे। और इधर मैंने मसाला निकाल के रखा है, टमाटर हरी मिर्च और अदरक, उसको पीस कर मैंने पेस्ट बना लिया है। और गट्टे बॉईल हो गए थे तो इनको निकाल लिया है और छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से कट कर लूँगी और बहुत ही अच्छे गट्टे बने थे, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बने थे तो बस इस तरीके से कट कर लिया है। और अभी बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी, तो ये ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं और बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब मन हो तब फिर बना लो। तो बस टमाटर हरी मिर्च और अदरक जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने तेल में छौंक दिया है जीरे का तड़का लगाकर। मसाला जब तक भूनना तब तक इधर मैं दही को भी फेंट ली हूँ हैंड ब्लेंडर से, तो मसाला जब तक तेल छोड़ेगा उसके बाद जो गट्टे कट करके रखे हुए हैं वो डालूंगी। और जो पानी बॉईल किए थे ना गट्टे वो पानी भी मैंने फेंका नहीं है, वो भी रखा है, अभी यूज़ करेंगे सब्ज़ी में। तो यहाँ पर गट्टे जो कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं मसाले में और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ ताकि मसाले गट्टे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसे ही मसाले और गट्टे मिक्स हो गए हैं तो ये जो पानी बॉईल किया हुआ रखा था ना गट्टे का वो ही यूज़ करूँगी सब्ज़ी में, तो वो पानी डालकर अच्छे से बॉईल आने दूँगी और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी दही। तो बस मैं दही डालकर ही गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ, अच्छी भी लगती है खाने में, सबको घर में पसंद है इस तरीके से गट्टे की सब्ज़ी। सुबह हो या शाम हो हम हाउसवाइफ का जो है ना काम ख़त्म ही नहीं होता है,
और ना ही हम चाहकर भी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। तो बस वही है, गर्मी हो चाहे जो भी हो, हमें अपना काम करना ही होता है। तो बस रात को अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, रात को फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी मॉर्निंग हो गया है, अभी रख रही हूँ चाय मेरे लिए और खुशी के लिए। खुशी अभी जो है जल्दी उठ जाती है, उसके एग्ज़ाम है तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे लिए और खुशी के लिए दोनों के लिए ही चाय रख रही हूँ। तो अदरक डालकर अच्छी सी कड़क वाली चाय बनाऊँगी और फिर नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। और आज सुबह सुबह जो है फ्रेश सब्जी आई है, जिसमें भिंडी, बैंगन, टमाटर, करेले वगैरह आए हैं, तो बैंगन का भरता बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो चाय रखने के बाद एक तरफ जो है मैं बैंगन भी रोस्ट करूँगी। तो चाय बन गई है तो छान ले रही हूँ, और एक तरफ बैंगन भी रख दिया है मैंने गैस पर रोस्ट होने के लिए। तो चाय मेरी ठंडी होगी तब तक मैं यहाँ पर खड़ी होकर बैंगन जो है रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि गरम गरम चाय मैं नहीं पी पाती हूँ, थोड़ी ठंडी होने के बाद ही पीती हूँ। तो चाय ठंडी होगी तब तक मैं इधर बैंगन रोस्ट कर लूँगी। और इतनी गर्मी हो रही है ना, ये मनी प्लांट जो है ना, पत्ते एकदम सूख जा रहे हैं, बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। और मौसम देखो, सुबह सुबह से ही 5:30-6 बजे से ही जो है ना धूप निकल आती है, और इतनी गर्मी हो रही है आजकल की क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो अभी जो है ना 7:30 का टाइम हो रहा था सुबह, और धूप बहुत तेज़ निकल आई है। तो बस सुबह के सारे काम निपटाने के बाद नाश्ता पानी का काम सभी हो गया था, और अभी मैं इधर आ गई हूँ पीछे वाले आंगन में। तो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो कपड़े सारे मैं यहाँ अंदर आंगन में ही डाल देती हूँ, बाहर में नहीं डालती हूँ। तो सारे कपड़े सूख गए थे, कल से डाले हुए थे ना तो सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पर खड़े खड़े ही जो है ना इस काम को कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। अंदर लेके जाऊंगी ना तो फिर वो रखे ही रह जाएंगे एक दिन दो दिन तक, फिर ये काम पेंडिंग होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पे खड़े खड़े ही अपने जो है ना कपड़े फोल्ड करने का काम जो है ये कर लेती हूँ, ताकि यहीं पर निपट जाए। और ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अंदर लेके रख दूँगी तो फिर रह ही जाएगा। तो ये जो है कल वाले कपड़े हैं, तो इनको फोल्ड कर ले रही हूँ। आज वाले कपड़े अभी रखे हुए हैं, मशीन में नहीं डाली हूँ क्योंकि अभी सभी लोग नहाए नहीं हैं। जैसे ही सब लोग नहा लेंगे तो आज वाले कपड़े भी मशीन में लगा दूंगी और धुलने के बाद यहीं पर डाल दूंगी। और यहाँ पर सूख जाते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना इसलिए आराम से सूख जाते हैं यहाँ पर कपड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करूंगी। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। न्यू हो गए, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।